देखिए ठीक से देखिए भाईजान। नहीं जनाब। एक आदमी भूरे रंग का स्वेटर पहना है, साथ में एक बच्ची है, चढ़े इस बस में? नहीं जनाब, इस बस में तो ऐसे कोई दो बंदे नहीं चढ़े। क्या आप लोगों में से किसी ने भी छोटी सी बच्ची के साथ आदमी को नहीं देखा है? नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं। जनाब वो चांद नवाब ने तो यही बस बताई थी। उतरिए सर। वो बच्ची पहाड़ों की तस्वीर देख के कुछ इशारा कर रही थी कि शायद घर उसका वहां पे। कहां फोटो? फोटो तो वो ले गए। हाईवे पे सारी बसों को चेक करो, कम ऑन जल्दी। जी जी जी। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बड़े बेवकूफ हो। मतलब ऐसे घुस गए पाकिस्तान में बेखौफ। मुन्नी को घर पहुंचाने का बस यही एक रास्ता था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसके अम्मे अब्बू को ढूंढोगे कैसे? बजरंग बली मदद करेंगे ना, पाकिस्तान में भी। आज रात आप इस जगह महफूज रहेंगे, लेकिन भाईजान कल सुबह होते यहाँ से निकल जाना। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कहाँ जगह है? मस्जिद। हाँ? सलाम अलैकुम। क्या हुआ बरखुरदार? तबीयत नासाज है, परेशान लग रहे हो। हमें क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलें। ओए बात सुन, बेटे कल क्यों नहीं आए? माफ करना मलिक। हैं शैतान, जाओ जमात में बैठो, मैं आ रहा हूँ। हम थोड़ी ना अंदर जा सकते हैं। क्यों? हम मोमिन नहीं है। तो क्या हुआ मेरे भाई, ये जगह सबके लिए खुली है, इसीलिए हम मस्जिद में कभी ताला नहीं लगाते। चलो आ जाओ। चलो बच्चों अपनी अपनी जगह पे। अच्छा तो ये बात है भाई, मैं तो कभी गया नहीं हूँ पहाड़ी इलाकों में, लेकिन हाँ हमारे मदरसे में कई बच्चे हैं जो वहां से। एक मिनट मैं पूछता हूँ। अरे बच्चों इधर आओ। सब लोग इस तस्वीर को गौर से देखो और फिर बताओ कि ये कहाँ है, और जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, बहुत बढ़िया सा। बताओ। रुक 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 रुक, पीछे ले पीछे ले। चांदनवाब के साथ था ना? भाई तेरा। भाई 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 भाई
नहीं पता तो आगे बढ़ाओ। अरे नहीं उत्तर जी, मैं सच कह रहा हूँ, ये स्विट्जरलैंड ही है। देखो इधर अंग्रेजी में लिखा है स्विट्जरलैंड। अरे मुन्नी तू क्या स्विट्जरलैंड से है? किस्म के दिल फरेब पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर? वापस इंडिया जाना पड़ेगा? नहीं जनाब, थोड़ा सा हमारे पास भी है। क्या? कश्मीर? बेटा रुकिए जनाब, पहले ये हथियार अपनी गाड़ी में रख के आइए। मौलाना साहब, आपने किसी अजनबी को तो नहीं देखा कहीं आसपास? खुदा के घर में अजनबी नहीं होते। इस अजनबी से खतरा हो सकता है, ये एक हिंदुस्तानी जासूस है। तो भाई आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे? लेकिन अगर आपको कहीं भी आसपास कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें इतला जरूर कीजिए। यहां से निकलना मुश्किल है। तो अब क्या करें मौलाना साहब? एक तरकीब है। ए बजरंग बली, क्या क्या करवाएगा अपने भक्त से? मस्जिद में सुलवा दिया, बुरखा पहनवा दिया, अब खतरा होने से पहले मुन्नी के माँ बाप से मिलवा दे, तेरी बड़ी कृपा। पाकिस्तान चला गया? तूने तो कहा था वो अटारी तक मुन्नी को ट्रेन पर बैठा कर आ जाएगा, ऐसे कैसे चला गया पाकिस्तान? उसको पासपोर्ट वीजा किसने दिया? बिना वीजा और पासपोर्ट का क्या है? बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पाकिस्तान चला गया। अरे आप शांत हो जाइए, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तू जानती नहीं है वो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे। यार हमसे तो एक नहीं संभलती और मौलाना साहब दो के लिए घूम रहे। सड़क पे पुलिस होगी, आप लोग यहाँ आगे खेतों से होकर खनेवाल तक निकल जाएं। धन्यवाद। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको इस बच्ची के इंफालदेन मिल जाए। अल्लाह हाफिज। आप लोग क्या कहते हैं? जय श्री राम ना? जय श्री राम। हाँ जय श्री राम। जय श्री राम। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना, आप मुन्नी को घर भेजने की हद पकड़ते ना पवन जाता, आपकी वजह से वो इतनी बुरी तरह से फंस गया है। अब आप ही कुछ कीजिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मैं भी पाकिस्तान चली जाऊंगी उसको ढूंढने। क्या? ये भगवान, बिना वीजा के हम इसमें नहीं रह सकते। ना सांस ली जा रही ना चला जा रहा है।
देखो हम दोनों में से एक को तो बीवी बन के रहना पड़ेगा। पुलिस दो आदमी को ढूंढ रही बच्ची के साथ। तो तुम मानो अच्छा तुमसे कोई पूछेगा क्या नाम है तुम्हारा, तुम तो बता दोगे कि हमारा नाम पवन कुमार चतुर्वेदी है, हम दिल्ली से आए हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, परमिशन लेके आए हैं, तारों के नीचे से आए हैं, है ना मुन्ने? देखो लोग आ रहे हैं, जल्दी बंद करो बंद करो, और थोड़ा नजाकत से चले जनाब। एक काम करेगी, अरे मुन्नी तो बच जाएगी। अरे जनाब, अरे जनाब बच गई। गलत बात है, झूठ बोलने से कोई काम ठीक नहीं होता, देख लेना। तो फिर बोली बेगम, चलो ढको आया। माशाल्लाह गाड़ी मिला बस। जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? चलिए। आप अंदर बैठिए, जब मैं बोलूं सेल्फ मारो तो सेल्फ मारना आप। ठीक। हाँ जी, मिला कुछ? वक्त लगता है जनाब नफस पकड़ने में। मैकेनिक है या हकीम है? जनाब सेल्फ। जनाब किया क्या आपने? दबा के मारिए, ये किया है। अरे वाह, आपने तो एक ही मिनट में सही कर दिया। तो जनाब राहगीरों की मदद करना फर्ज है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप कहें तो आपको कहीं छोड़ दूं? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बात नहीं कर सकते जनाब, पैदाइशी गुंगी है। ओ जी, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। वैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं बीबी? ये भी बात नहीं कर सकते जनाब, सेम टू सेम खानदानी बीमारी है ना जनाब। अरे रे रे, सब तकदीर का खेल है। हाँ वो तो है। ये आप खाने वाले के रास्ते जा रहे हैं ना? नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचवा दूंगा। नहीं 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 जनाब, आपको दिक्कत होगी, आपको मैं बस हाईवे तक छोड़ दें बस। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एक सिपाही को बोल दूंगा, वो अपनी जीप में आपको घर तक छोड़ आएगा। हाँ सिपाही मतलब? सिपाही हाँ, मतलब? मैं उस इलाके का दारोगा हूँ, आज छुट्टी पे था लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वापस जा रहा हूँ। इमरजेंसी मतलब? एक हिंदुस्तानी जासूस यहाँ फरार है। देखते हैं कब तक बचेगा। जान नवाब कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं मालूम। नहीं मालूम मुझे, मुझे खुदा कसम उसको मैंने आखिरी बार जासूस वो पीछे बस में जाते हुए देखा था। मैंने उसको आखिरी बार फोन भी लगाया, फोन ऑफ है, ऑफ है फोन। चल अपने नंबर से उसको मेरे सामने फोन लगा। ना फोन। ऑफर आइए जनाब, हमारा ठिकाना तो आ गया, अब यहाँ से हमारा आदमी आपको छोड़ देगा। सर 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 आइए। अरे हसन जी। जनाब इधर आओ भाई। जनाब देखो ये हमारे खास मेहमान हैं और बड़े कमाल के मैकेनिक भी हैं।
इनको इनके दरवाजे तक छोड़ कर आना खाने वाले में। जी जनाब, आइए जनाब। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया तो आपका जनाब, आपने हमारी बहुत मदद की। कुछ चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं जनाब, हम चले जाएंगे। आइए जनाब, आइए आइए बैठिए। आराम से। हर घंटे उसको फोन करता रहे, कभी ना कभी तो फोन उठाएगा वो। किधर है आपका घर? बस थोड़ा सा आगे। रास्ता नहीं मालूम? नहीं, बड़े दिनों के बाद वापस आए ना, तो असल में हमने भाग के शादी की थी ना, तो उनके बाद थोड़े से खफा हैं। बस जनाब यही रुक। शुक्रिया अल्लाह का आपका घर मिल गया। शादी के चक्कर में आप तो घर ही भूल गए अपना। बस जी क्या बोलूँ, बस ऐसी बात है। अरे कोई बात नहीं। अरे वकार को बुलाओ। जी जनाब। हेडक्वार्टर से क्या इन्फॉर्मेशन है उस जासूस के बारे में? सर उस जासूस का नाम पवन उर्फ बजरंगी है, और उसके साथ यहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट भी है, चांद नवाब। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया जनाब, आपने यहाँ तक छोड़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखना। जी अब्बाजान, कैसे हो आप? तुम कौन हो भाई? गुस्सा थूक दीजिए अब्बाजान। देखो आपकी बेटी और नवासी को लेकर आया हूँ। आजा बेटा आजा। अरे ये बच्ची कौन है और ये क्या कर रही है? अरे लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं। सड़क पे खड़े होकर गिले शिकवे करने से कोई फायदा थोड़ा ही है। अंदर चढ़ के जितना कोसना कोस लीजिए। अरे भाई जान ना पहचान, तू मेरा नवासा। आपकी इजाजत के बिना शादी की थी ना मैंने। गुस्सा है ना आपको? अरे लेकिन अरे लेकिन अरे चाचा, अरे जनाब, अरे चाचा छोड़, अरे जनाब, अरे जनाब, अरे जनाब, अरे भाई, अरे मगर, लेकिन अंदर तो चले आप, अंदर तो चले। चाचा छोड़िए। अरे लेकिन मैंने जहानाबाद से। मुन्नी तेरे गांव का नाम जहानाबाद है? और उससे पहले पड़ता है उर्सेल। उर्सेल? और उससे पहले पड़ता है करीमाबाद। करीमाबाद?